अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलैंड किस तरह से 2022 के अंदर वर्क परमिट देता है और पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने के लिए किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम तरीके बताएंगे जिसमें आप बगैर एक रुपया लगाए पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और मंथली 2 लाख से 4 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट यूरोप, मिडल ईस्ट और अदर कंट्रीज़ की जॉब वीज़ा और वर्क परमिट की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पोलैंड एक ग्रोइंग इकॉनमी है। पोलैंड का मौसम सख्त होता है, उनके लोग पोलैंड के अंदर ज़्यादा काम नहीं करते, वो जब मौसम सख्त होता है तो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर निस्बतन मौसम बेहतर होता है। तो जिसकी वजह से पोलैंड के अंदर लेबर की शॉर्टेज होती जा रही है। तो पोलैंड ने अपने इस मसले को हल करने के लिए जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ से लोगों को इनवाइट करना शुरू किया हुआ है, जिसमें डिलीवरी की जॉब्स है, जिसमें होटलिंग की जॉब है, जिसमें कोई टूरिज्म के रिलेटेड है, ड्राइविंग के रिलेटेड है। ये वो कैटेगरी हैं जिसके अंदर पोलैंड नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को वर्क परमिट 2022 के अंदर दे रहा है। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी के लिए भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन प्रोसेस है। आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के, बगैर एक रुपया खर्च किए आप पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी महाना इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की CV बनानी पड़ेगी और साथ एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा। आपके पास जो भी स्किल है, आपके पास जो एजुकेशन है, उसके मुताबिक अपनी CV को बनाएं। CV बनाने के बाद आपने, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने जॉब अप्लाई करनी है अपनी स्किल के मुताबिक, अपने प्रोफेशन के मुताबिक। तो नंबर एक पर जो वेबसाइट है उसका नाम है praca.pl, praca.pl। नंबर दो पर है goldenline.pl। नंबर तीन पर है gumtree.pl और नंबर फोर पर है prakuj.pl। ये चार वेबसाइट हैं, इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके ऊपर जाके आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पोलैंड को इस वक्त किन लोगों की ज़रूरत है? नंबर एक पे कंस्ट्रक्शन वर्कर, नंबर दो पे अगर आपके पास होटलिंग का कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास शेफ़ है, आप क्लीनर हैं, आपके पास कोई भी टूरिज़म और होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई, आपके पास कोई स्किल है, कोई तजर्बा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग के अंदर है, डिलीवरी के अंदर है, अगर आप एज अ डिलीवरी बॉय काम करना चाहते हैं तो तब भी आप पोलैंड के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये चार वेबसाइट है जहाँ पे पूरे पोलैंड की जो कंपनीज है अपनी जॉब जो है पब्लिश करती हैं, और आप इनके ऊपर जिस पे आप फिट होते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए और आप सिर्फ 2 से 3 माह की एफर्ट करेंगे, घर बैठे बगैर कोई रुपया खर्च किए पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिलने वाली। हम ये बहुत एफर्ट के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये डाटा निकाल के लाते हैं। इस डाटे की ऑथेंटिसिटी के लिए हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिनके ज़ाती एक्सपीरियंस होते हैं, जो इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने घर से बैठ के अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जाके अपना काम शुरू करते हैं। तो इनके ज़रिए आप जो भी अप्लाई करेंगे आपको उसका एक वक्त के बाद रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्किल उनके साथ मैच करती है, आपकी CV की प्रेजेंटेशन अच्छी है और अगर उनको लगा कि आप उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो आप पोलैंड जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये कंपनीज आपको पोलैंड का 2 साल का वर्क वीज़ा अलाउ करती हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। 2022 के अंदर पोलैंड एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो का बनाने का मकसद भी ये है कि आप जैसे लोगों की हेल्प की जा सके, वो भी एक अच्छी अर्निंग का ज़रिया तलाश कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जाने से पहले फिर आपसे वही दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।